저는 밖에 사무실. 사이클링 때도는 밤에 아래를 거기 갔다 하고 앞 밤에도 가서 뛰고 그래서 히어로 필름을 자다 댈게 해. 그래서 다른 게 필름을 자다 봤을 때 एक्चुअली मैं उसको इस वक्त फिल्म में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है. सो मैं उसको बहुत मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का कुछ आई थिंक क्लासिक जैसे अनटचेबल्स गुड फेलोज देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन माइकल डगलस. तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेजी फिल्मों का ही है एंड आई एम श्योर हिंदी की जो फिल्में हैं वो भी मैंने क्लासिक लिस्ट बनाई है. जाने भी दो यारों शोले देख चुके हैं वो एंड दो आंखें बारह हाथ देवदास चाहे वो मेरी वाली हो या लिप्सा वाली हो बट आई वॉन्ट देम टू सी फिल्म. बाकी उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मुझको नहीं मालूम है मैं इतना डिस्कस नहीं किया है बट वो सारी फिल्में देखते हैं जब हिंदी की फिल्में आते हैं देखते हैं एंड लाइक एवरी वन. हम ऐसा माने कि वो आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं साइकिल पर. हाँ क्योंकि मैंने डिग्री नहीं प्राप्त की थी लेकिन मैं मास्टर्स तक पढ़ाई की तो अभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अब आप ये पूछ रहे हैं कि वो एक्टर बनेंगे या नहीं तो वो उनका डिसीजन होगा और अभी हमने उनको उस वाले पद चिन्ह पर नहीं डाला. अभी उस पद चिन्ह पर डाला है जहाँ पर वो पढ़ाई करें लिखाई करें और जो मैं 1 करोड़ बार बोल चुका हूँ तो वो अभी कॉलेज ख़त्म करेंगे उसके बाद. मैं सब बार यही बोलता हूँ कि एक्टर बनना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि तुम्हारा बाप एक्टर है. एक्टर बनना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको कुछ और नहीं करना एक्टिंग करनी है. तो अगर उनके दिल में वो बात आएगी मेरे बेटे या बेटी के और तीसरे बेटे से तो वो बने एक्टर. अगर वो कुछ और बनना चाहेंगे तो जितना खुश मैं उनसे इतना होगा कि वो एक्टर बने उतना खुश उसमें होगा कि वही